अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां विश्व पर्यटक स्थल एवं गया जी मोच नगरी शहर जाम से जगड़ती जा रही है। गया में जाम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाम लगने के कारण स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो लोगों को दिनचर्या का काम करने में भी भारी परेशानी हो रही है। लगभग पूरे दिन जाम में फंस जाते हैं, किसी का ट्रेन छूट जाता है तो किसी का जरूरी काम, कितने बार तो एम्बुलेंस जाम में फंसने के कारण बीमार व्यक्ति का जान चली जाती है। समाज सेवी अधिवक्ता वर्मा ने कहा कि आज गया जी में बढ़ते प्रदूषण के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ी का अत्यधिक मात्रा चलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। सर्वप्रथम शहर में डीजल और पेट्रोल गाड़ी को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और ई रिक्शा सीएनजी से चलने वाले वाहनों का परिचालन शुरू करने की आवश्यकता है। गया जी में स्कूल बस भी एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि गया शहर के सड़कें कम चौड़ी हैं और स्कूलों के द्वारा बड़ी वाहनों का परिचालन कराया जा रहा है। इससे जाम की समस्या विकराल रूप से बढ़ती जा रही है। आए दिन जाम के कारण किसी रोगी की जान चली जाती है तो किसी का ट्रेन छूट जाता है तो जरूरी काम छूट जाता है। वहीं गया शहर में लग रहे जाम की समस्या पर यातायात पुलिस उपाधीक्षक से बात की गई तो बताया कि पर्यटकों का काफी आना जाना होता है, ज्यादातर पर्यटक अपने निजी वाहन से आते हैं तो यह भी एक कारण। साथ ही यहाँ की सड़कें 50 साल पुरानी वाली हैं और वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जब तक यहाँ की सड़कों को चौड़ीकरण नहीं किया जाता है तब तक जाम की समस्या बनी रहेगी। यहां जितना भी बड़े बड़े मॉल, शोरूम, बैंक आदि हैं, उनके पास भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सभी जगहों पर लोग अपने वाहन को सड़क पर लगाकर अपना काम करते हैं। और 33% के दर से गाड़ियों का संख्या बढ़ रहा है। रोड हमारा वही है जो आज से 50 साल पहले था। गया टूरिस्ट जिला है, हमेशा बाहर से लोग आते रहते हैं पिंडदान करने के लिए, बोध गया भ्रमण के लिए, क्योंकि बिहार में गया ही एक ऐसा जगह है जहां लोग भ्रमण के लिए आते हैं और दूसरा राजगीर जाते हैं। और गया में अभी तक बाईपास का बड़ा धीमा गति से काम हो रहा है। विगत हम तो साढ़े तीन साल हो गया इस जिला में, बाईपास अभी तक सुन रहे हैं काम हो रहा है, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। और हर गाड़ी को तब मेन बाजार से ही जाना पड़ता है, जिसको झारखंड जाना हो, पटना से झारखंड जाना है, तो वो हमेशा मेन रोड से जाएंगे, जीबी रोड होके वापस लौटेंगे, तो जाम थोड़ा बहुत होते हैं। लेकिन हमारे सिपाही सब लगे रहते हैं, कभी भी थोड़ा प्रेशर बढ़ता है लेकिन गंभीर जाम नहीं होने देते हैं। पितृपक्ष में भी बाहर से बहुत लोग आए, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आए, लेकिन कभी भी जाम गंभीर नहीं होने दिए हम लोग। और अभी चूँकि बुडको के द्वारा काम हो रहा है, जगह जगह रोड में पाइप बिछाया जा रहा है, उस वजह से भी थोड़ा आवागमन बाधित हो रहे हैं, लेकिन हमारे ट्रैफिक के सिपाही मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और आवागमन का सफल संचालन कर रहे हैं। सड़क पर जो है अभी भी जो है बड़े बड़े जो मॉल हैं या धर्मशाला, उसके बाहर में मतलब बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रहती है सर, तो उस पर फिर आपने हमारा तो सीधा है। गया में जो भी बड़े बड़े मॉल हैं उसके पास पार्किंग है ये नहीं है, कोई उसके यहाँ सामान खरीदने आएगा तो रोड पर ही खरीदते हैं सामान। गया में इतना बैंक है और पता कीजिए उस बैंक में मैंने 80% बैंक के पास पार्किंग नहीं है। अब बैंक खोल दिए हैं, ग्राहक आ रहे हैं, वो बाहर में जाकर के गाड़ी रोड पर लगा रहे हैं, तो उससे आवागमन बाधित होते हैं सर। लेकिन नो एंट्री के बावजूद भी बसें का एंट्री देखने को मिलता है विश्वपथ क्षेत्र में। बस वगैरह क्या है ना, वो बस को हम लोग, बस का स्टैंड है ना, जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पर बस लोग जाते हैं, वहीं पर वो सवारी उतारेंगे, क्योंकि उसका टेंडर जहाँ से होगा, जैसे पटना से कोई बस आया तो जहाँ उसका स्टैंड है वहीं पर वो लगाएंगे और टेंडर जहाँ का है वो लोग सवारी उतरते हैं फिर जाते हैं। विष्णुपद एरिया में सब विष्णुपद में क्या है ना, टूरिस्ट लोग आते हैं और उसका पार्कवा है मंदिर के बगल में बस लगाने का, तो कुछ बस लोग वहाँ लगाते हैं। जब वहाँ हमारे पुलिस उन लोगों को समझाते बुझाते हैं कि बाहर में आप लोग लगाइए, घुघली टार के तरफ लगाइए, चाहे केंदुई की तरफ लगाइए, तो उधर भी लगाते हैं और फाइन भी काटते हैं।